Okay, so we are live. Today we are going to be taking a class of class 11. Okay, let me wait for the students to join in. I'll share you the link. If you're watching this video for the second time, please move forward 2 minutes because that's the time we wait for the students to join. Okay, it's already 38 minutes. Aditya, good morning, ma'am. Okay, hello, good morning. It's already good afternoon. But, okay, good morning. Good morning. Hello. Today we will discuss our full syllabus of this year that we have completed. And I'll also take the attendance. Okay, Palak. Karishma, okay. Shall we wait for some time? And then we will wait for the students to join in. Okay, good morning, good afternoon. Okay, good afternoon, everyone. Prithviraj, Ankit, Karishma, hello. Good morning, teacher. Okay, good morning. Chalo, jaldi jaldi join karo sab log. Join faster so I can start. Today we will not have a very long lecture. We'll start our chapter tomorrow, but today we will be discussing the syllabus that you have to study and you have studied, which we have completed so far. Miss Namita, okay. Hello Namita, good afternoon. I just saw you now. Nizu, okay. Funny. Shubhangini, okay. Good morning, okay. I have forgotten your names now. तुम्हारे आईडी पे जो नाम है और अगर तुम्हारा नाम अलग है तो अपना नाम बता देना या रोल नंबर बता देना क्योंकि बिकॉज अभी तो रोल नंबर भी है ही तुम्हारे पास. ओके, यू ऑलरेडी हैव योर रोल नंबर्स. यू कैन राइट डाउन योर रोल नंबर्स आल्सो टू गिव योर अटेंडेंस, बट आई विल टेक द अटेंडेंस आफ्टरवर्ड्स. बिफोर दैट आई हैव टू डिस्कस समथिंग विथ यू. गुड आफ्टरनून टीचर. ओके, ज्योति शंकर, मयूरी, रविराज, रिया. ओके, बिट्टू, गुड आफ्टरनून. वृष्टि, गुड मॉर्निंग. जी एम, ओके. Okay, GM, we are in between GM and good afternoon. So, you can say whatever you want. Okay, shall we wait more or shall we start with our explanation? Abhi bhi join ho raha hai sab, theek hai. Jaldi jaldi ho jao. Aaj hamara zyada lamba nahi hoga. Kal lecture, hamara lecture bahut jaldi khatam ho jayega. So, that's why. Good afternoon, okay. Good afternoon. PTL Gaming, okay, hello. Chalo, so shall we start? Say yes, so I will start with the explanation. Phir main batati hu tumhe aaj ke padhai ke liye karna kya hai. Start kar do ma'am, okay. Okay, so let's start. Let's begin with our explanation. सो नाउ हियर एवरीबडी हु इज़ आस्किंग मी कि सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स लिखने हैं, क्या क्या करना है. सो हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द एंटायर सिलेबस ऑफ योर दिस ईयर. ओके, थर्ड टर्म तक का पूरा सिलेबस तुम्हारे सामने है. आई थिंक यू मे नॉट बी एबल टू सी इट वेरी क्लियरली, बट आई विल जूम एवरीथिंग. इसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड और टॉपिक्स एक्सक्लूडेड करके दो कॉलम्स बने हुए हैं. मैम ब्लर है, आई नो इट इज़ ब्लर, बट आई विल जूम इन, डोंट वरी. एंड इवन इफ यू कांट सी इट, आई विल शेयर इट विथ यू इन द ग्रुप ऑल्सो, सो डोंट वरी. इसमें दो कॉलम्स है, टू बी इंक्लूडेड एंड टू बी एक्सक्लूडेड. इन दोनों टॉपिक्स में से जो एक्सक्लूडेड है मैंने इरेज ही कर दिए हैं ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे. ओके, नो इट इज़ ब्लर्ड बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल. ओके, आई होप नाउ यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, अब हम प्रोज से शुरू करते हैं. ओके, सो वेन एवर यू विल हैव अ डाउट अबाउट द सिलेबस यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड सी वॉट यू हैव टू स्टडी फॉर इट. ओके, हमने क्या क्या ख़त्म कर दिया. हमने मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस ख़त्म कर दिया, हमारे कुछ ही टॉपिक्स है वो बाकी हैं. पहले तो प्रोज से शुरू करते हैं हम. प्रोज में अब आई गेस सब क्लियरली दिख रहा होगा बिकॉज मैंने बहुत जूम इन कर दिया है. सो क्लियरली दिख रहा हो तो येस या थम्स अप कर दो. अटेंडेंस मैं थोड़ी देर बाद लेती हूँ या बीच में ले लूँगी. ओके, सो बी अटेंटिव.
प्रोज में से पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वी हैव कंप्लीटेड. सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल. चैप्टर नंबर 5 एलिंग प्लैनेट. चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन. एंड हियर सी चैप्टर नंबर 7 इज एक्सक्लूडेड. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर, लेकिन वो निकल गया है वहाँ से, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है. बोर्ड बोल रही हूँ मैं, नॉट बोर्ड, दिस ईयर सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है. एंड देन यू हैव डायरेक्टली हैव सिल्क रोड. सिल्क रोड का ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में. यू हैव ऑलरेडी शेयर यू द लिंक ऑफ इट. सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, यू हैव टू सी इट. ओके, वो देखना है क्योंकि वो इंक्लूडेड है सिलेबस में. ओके, और अच्छा है मैंने पहले ही बना लिया है, तो हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी में से पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ टू बी इंक्लूडेड पोएम्स की बात करते हैं. सो पोएम्स में से देर वर 5 पोएम्स इन द लेसन, बट ओनली 4 पोएम्स आर इंक्लूडेड. ओके, सो अ फोटोग्राफ इंक्लूडेड है, लेबनन टॉप इंक्लूडेड है, द वॉइस ऑफ द रेन इंक्लूडेड है, और द चाइल्डहुड इंक्लूडेड है. ओके, फादर टू सन जो है वो वहाँ से निकल चुका है. ओके, सो यू विल, वी विल नॉट बी डूइंग दैट. वो हम करेंगे भी नहीं और वो सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है. ओके, नाउ फॉर द सप्लीमेंट्री रीडिंग, वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन सप्लीमेंट्री रीडिंग ऑल्सो. हम इस चैप्टर के सप्लीमेंट्री रीडिंग भी हम इंक्लूड करेंगे ही. इसमें हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं टॉपिक्स टू बी इंक्लूडेड, दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स और चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस. ओके, देन चैप्टर नंबर 3 and 4 आर लेफ्ट, रंगाज मैरिज एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. ये 2 चैप्टर हैं, वही आएंगे एग्ज़ाम में. इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिए हैं ये चैप्टर्स इन सप्लीमेंट्री रीडिंग. तो मतलब ओके, ऑल ऑफ यू डिड वेरी वेरी वेल इन योर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन. आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, बट अ लिटिल बिट मोर बेटर यू हैव टू डू. आई कुडंट शो यू द पेपर्स बिकॉज आफ्टर दैट वी लॉकडाउन वगैरह हो गया, क्लास स्कूल बंद हो गई हैं, बट आई विश आई कुड शो यू द पेपर्स सो दैट यू कैन सी योर परफॉर्मेंस. द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ओके, ये 3, ये 4 ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है. हमारे कितने कंप्लीट हो चुके हैं? हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स और वो द एड्रेस कंप्लीट हो चुका है. और फिर हम ये 2 चैप्टर है, वो बाकी है वो हम कर लेंगे. ठीक है, पर पहले हमें वो सिल्क रोड करना है, और सिल्क रोड हो जाएगा उसके बाद हमारा जो चैप्टर प्रोज सेक्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है. सब पास हैं मैम, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? ओके, सब पास तो नहीं है, देर आर पीपल हु आर फेलिंग. उनको तो मैं देखती हूँ फिर कैसे फेल हो गए. इंग्लिश स्टूडेंट्स हु आर फेलिंग एंड हाईएस्ट मार्क्स, वो मैं बाद में बताती हूँ. ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्लासेस के पेपर्स चेक किए, तो अब मुझे याद नहीं है कौन से क्लास में कौन सा हाईएस्ट मार्क्स है. ओके, अब बहुत सारे बंडल हो चुके हैं मेरे. नाउ सी द ग्रामर, द मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके वाली मैं पूरा ये सिलेबस डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर्स तो मैं 1, 2, 3 करके भी बोल दूंगी, बट द ग्रामर सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू सी वॉट आर द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन ग्रामर. ओके, नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, यू नो इट कम्स इन द पार्ट 2 में आता है वो तुम्हारे चैप्टर तुम्हारे पेपर के. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फर्स्ट टर्म में ही हम ख़त्म कर चुके हैं, उस पर एनिमेशन वीडियो भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. प्रैक्टिस वीडियोस भी भेजे हैं मैंने ग्रुप में, आई होप यू पीपल हैव सीन इट एंड प्रैक्टिस्ड इट. दोज प्रैक्टिस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, तो तुम्हारा अभी से सारा प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड का भी हो ही जाए. ओके, नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस, देर आर चांसेस दैट इडियम और फ्रेजेस टेक्स्ट बुक में से एग्जाम में आते हैं, बट स्टिल आई विल नॉट टेल यू दैट वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे, बिकॉज द इडियम्स एंड फ्रेज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी वेयर दे कैन पिक अप एंड दे कैन आस्क यू एज अ क्वेश्चन. सो पहला प्रायोरिटी जब इडियम और फ्रेज पढ़ते हैं तब ये रखो कि इडियम और फ्रेज
टेक्स्ट बुक में पहले सारे कवर कर लो, पहले टेक्स्ट बुक के हो जाए, उसके बाद जितना यू कम अक्रॉस जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस वो लिख लो या प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर भी प्रैक्टिस वीडियो है ही ऑलरेडी। ये वीडियो जब सेकेंड टाइम देखोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक भेज दूंगी, जैसे मैंने एग्जाम में एक लिंक पूरा बनाया था सिलेबस का, वैसे लिंक उसमें डाल दूंगी, तो उसमें डायरेक्टली देख सकते हो। नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेक्शन के 3 पार्ट हैं। ओके, नाउ फॉर दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन लाइव क्लासेस, हमने लाइव क्लास ज़रूर लिए हैं इसके लिए। तुम्हें अगर लाइव क्लास का वीडियोस में समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैंने जो 2-3 और वीडियोस हैं मेरे पास मैं उनके part 1, part 2, part 3 सीरीज़ में भेज दूँगी, तो तुम्हारा वापस प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज आई गेस बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टॉपिक एंड आई नो दैट वैन आई चेक द पेपर ऑल्सो आई केम टू नो दैट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू गाइज ऑल्सो। आफ्टर दिस कम्स इंटरचेंज। नाउ इंटरचेंज में से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो निकाल दिए गए हैं, तो अब जो निकाल दिए गए हैं उनका तो मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि फिर उसके बाद तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, यू पीपल मे नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस वन। सो इंटरचेंज ऑफ एजर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, यानी एजर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज होगा और एजर्टिव से एक्सक्लेमेटरी चेंज होगा और एक्सक्लेमेटरी से एजर्टिव, एजर्टिव टू इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव टू एजर्टिव। वापस दूसरा इंटरचेंज कौन सा है, एफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू एफर्मेटिव। बस ये 3 ही इंटरचेंज हैं, दिख रहा है सामने इंटरचेंज। जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, तो उसमें तो हमारा चौथा तो निकाल ही दिया है, सिर्फ 3 हैं और तीनों में से भी खाली एजर्टिव और एक्सक्लेमेटरी से इंटरचेंज हो रहा है और इंटरोगेटिव है और सिर्फ एफर्मेटिव टू नेगेटिव, ये 3 ही पढ़ने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने बहुत लास्ट में आई थिंक क्लास में करवाया है, आई थिंक आफ्टर द ऑफलाइन द क्लासेज वर टेकन ऑफलाइन, तो मैंने क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आई गेस करवाया है, आई डोंट रिमेंबर इट, बट नहीं है तो उसके भी वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन, ये दैट ऑल्सो यू कैन सी, वो भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड इट। क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो डन एंड कम्प्लीटेड, पूरा क्लास में लिख दिया है, लिख लिया है ना क्वेश्चन टैग, नहीं किया हो तो मुझे बताओ। रिमूव एडवर्ब टू, वो तो हमने पहले फर्स्ट टर्म में ही पहले टॉपिक्स में ही खत्म कर लिया था। ओके, तो आई गेस फॉर दिस क्लास द एंटायर ग्रामर सेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, या तो मिक्स सॉल्यूशंस करने हैं, या अगर इफ़ यू गाइस टेल मी दैट इफ देर आर सम टॉपिक्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यू हैव सम ट्रबल इन यू नो कन्वर्टिंग दैम और चूजिंग बिटवीन द MCQs हाउ टू डू इट, तो दैट यू कैन टेल मी दैट वी कैन प्रैक्टिस। ओके, सो आई गेस ग्रामर में कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना, बस इतना ही ग्रामर है ये साल के लिए। ओके, यस मैम, आई गेस यस मैम इज यस योर अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ राइटिंग सेक्शन। नाउ दिस सिलेबस दैट आई एम डिस्कसिंग इज फॉर बोथ साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, दोनों का है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा तो वो मैं बता दूंगी पर्सनली ग्रुप में। Now for the topics to be included in writing section. No confusion, okay. So topics included है data analysis and note making. So data analysis हमारा ख़त्म हो चुका है, already have videos in this, वो first term में ही हो चुका था। data analysis तो already exam भी दे चुके हो। note making commerce stream का बाकी है, but यहाँ पर videos available है तो मिल जाएंगे, अगर अदरवाइज इफ आई प्लान ऑन मेकिंग अनदर वन आई विल शेयर इट विद यू। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल राइटिंग, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर ईमेल राइटिंग देयर आर 2 ऑप्शंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो उसमें बहुत कंफ्यूज होते हो एग्जाम में, यू पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस वन, सो मेक श्योर दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक्स इन फॉर्मल कौन सा है और इनफॉर्मल कौन सा है। ईमेल राइटिंग तो फर्स्ट टर्म में ही हो चुका है, आफ्टर दिस ईयर दिस वन न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक फॉर द साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम का ये टॉपिक खत्म हो चुका है। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग इज अ वीडियो विच आई हैव शेयर्ड विद यू बिफोर, वो किया नहीं था हमने क्लास में, बट रिपोर्ट राइटिंग इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, वो भी इंक्लूड हो रहा है। ओके, सो यू हैव टू, एक एग्जाम्पल भी मैंने शेयर किया था, वो एग्जाम्पल भी लिखना है तुम्हें अपने ग्रामर नोटबुक में इन द राइटिंग सेक्शन। आफ्टर दैट देर इज जॉब एप्लीकेशन,
जॉब एप्लीकेशन तो रट्टा मार लो, क्योंकि ये अभी भी आएगा, सेकेंड टर्म में तो आया ही था, थर्ड टर्म में भी आएगा, फिर जब ट्वेल्थ में जाओगे तो ट्वेल्थ के फर्स्ट टर्म में भी आएगा, उसके सेकेंड टर्म में भी आएगा और उसके थर्ड टर्म में भी आएगा, फाइनली जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना तब भी वो आएगा, ठीक है। तो इसे तो पक्का कर ही लो, ओके, देर शुड बी नो मिस्टेक इन जॉब एप्लीकेशन, जो अभी थोड़ा कच्चा पक्का होता है तुम लोगों का। हाँ, इसमें थोड़ा क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ओके, क्वालिफिकेशन में अगर गलती है भी तो हाफ मार्क्स जाएगा, एक मार्क्स जाएगा, बट रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स इफ दे आर परफेक्ट सो दैट यू विल गेट द रेस्ट है तो 4 मार्क मिल जाएंगे, 4.5 मार्क मिल जाएंगे। राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग, देर आर 3 टॉपिक्स, ऐसे राइटिंग में 2 टॉपिक दिया होगा, स्पीच राइटिंग में 1 टॉपिक दिया होगा, तीनों में से कोई एक लिखना है, तो या तो ऐसे आएगा या तो स्पीच आएगा, ओके, और ऑप्शन में मिलके। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड, यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो खत्म होता है। इसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के बारे में हम प्लान करेंगे तो आई विल टेल यू, तो वो मैं बता दूंगी ग्रुप में, बट अभी के लिए तो ये ही है और इसको प्रिपेयर करना एग्जाम, ओके, यस मैम। सो दिस वाज व्हाट आई वाज गोइंग टू डिस्कस विथ यू। सो इसमें कोई कंफ्यूजन है ये हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो आज का हमारा क्लास जो है, फिर उसके बाद हम फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर रैप अप कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, से यस और नो, यस यस तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के बीच बीच में, ओके, कोई बात नहीं, बीच में यस नो करते जाओ तो मुझे पता चले कि यू पीपल आर एक्टिवली वॉचिंग इट, ओके ओके मैम, अगर नोटबुक में लिखना है तो इसे देख के नोटबुक में लिख लेना, नो 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 नो, ओके, नो कन्फ्यूजन। सो अब द नेक्स्ट थिंग दैट यू पीपल हैव टू डू इज यू हैव टू, एक वीडियो में भेजूंगी, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड, ओके, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हमारा प्रोज में सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ लास्ट चैप्टर बाकी है, पहले वो खत्म कर लेते हैं। ब्राउनिंग वर्जन भी हमने क्लास में ही खत्म कर लिया था, तो सिल्क रोड पे वीडियो बनाया हुआ है, आज मैं वो वीडियो भेजूंगी, वो वीडियो अच्छे से देख लेना, पूरा चैप्टर याद कर लेना, उस चैप्टर के ऊपर आज तुम्हें समरी लिखनी है, यू हैव टू राइट अ समरी ऑन दैट चैप्टर, आफ्टर यू राइट द समरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो दैट यू हैव रिटन द समरी। अब चेक तो मैं नहीं कर सकती, बट राइटिंग द समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। व्हाट वी विल डू टुमारो, टुमारो वी विल डिस्कस दिस सिल्क रोड, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे और हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ओके, सो विल डिस्कस दैट, विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड देन विल डिस्कस द एमसीक्यूज आल्सो। तो कल हमें ये काम करना है पहले और ये चैप्टर जल्द से जल्द फिनिश करना है, ओके। मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, देखा किसी ने कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी, कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे तो ऑलरेडी देख लिया होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु माइट हैव ऑलरेडी सीन इट, कुछ ये थंबनेल, आई विश आई वुड हैव इट, तो मैं थंबनेल रखती तो तुम्हें पता चल जाता विच वीडियो, डोंट वरी आई विल शेयर यू द लिंक, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो देखना और वो आज के लिए वो प्रिपेयर करना है, ओके ओके, उसमें कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे बता दो, ओके मैम, ठीक है। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अटेंडेंस ले लेते हैं, यस मैम, यस मैम, पूरा एनिमेशन बनाया हुआ है वीडियो का, इट्स नॉट वेरी मच एनिमेटेड बट हाँ, हर चीज़ के ऊपर तुम्हें फोटोज़ रखे हैं मैंने, हर उसमें अटेंडेंस ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं मैक्स का, ए स्ट्रीम कौन सा है, ए इज मैक्स ना, ओके, सो विल स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ओके, नाउ आई विल से इट अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर, ए का कहाँ तक का है रोल नंबर, 30, ओके, और बी का कहाँ तक का है, 40, ओ माय गॉड, 11th स्टैंडर्ड, हाँ मैं 1 से बोलती हूँ, रोल नंबर 1, इफ यू आर देयर यू कैन से, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, मैं लिखते जा रही हूँ एब्सेंट सबका जो नहीं है, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, अपने अपने रोल नंबर्स लिखते जाओ, ओके,
नाम से अब नहीं होगा, अब रोल नंबर से होने वाला है, ठीक है? अगर मेरे पास नाम की लिस्ट आ गई तो मैं फिर वापस नाम से स्टार्ट कर दूंगी। थ्री, ओके, थ्री इज प्रेजेंट, ओके, रोल नंबर सिक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, चौहान लक्ष्मी प्रेजेंट मैम, ओके, हेलो लक्ष्मी, रोल नंबर सेवन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, और एट तक बोल दिया है मैंने, रोल नंबर नाइन, रोल नंबर टेन, ओके, रोल नंबर फोर इज ऑल्सो प्रेजेंट। वन से टेन तक जो भी प्रेजेंट है बोलो प्रेजेंट। नाइन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, नाइन इज नॉट प्रेजेंट, नाइन का नहीं आया, टेन इज नॉट प्रेजेंट, ओके, नाउ आई विल मूव ऑन, टेन इज प्रेजेंट, ओके, टेन प्रेजेंट, लेट्स मूव ऑन, रोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 टू 11 टू 20 जितने भी प्रेजेंट है बोलते जाओ। साइंस 11A साइंस, ओके, 11A साइंस के मैथमेटिक्स बैच, अभी ज़्यादा लोग आ गए, ओके, 18 प्रेजेंट, ओके, हाँ मामा 18, 18 प्रेजेंट, 12 इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, 22 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 19 इज ऑल्सो प्रेजेंट, बायो, बायो का अभी मत बोलो, बायो का रोल नंबर 4 प्रेजेंट, ओके, यस मैम, उनको लिखने दो क्योंकि फिर बायो वगैरह लिखेंगे हम वापस जाके रिचेक भी कर सकते हैं ये कमेंट से, हाँ ए, हाँ 20, ओके, 20 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 4, 19 इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, 22 रोल नंबर, 22 प्रेजेंट, 22 इज ऑल्सो प्रेजेंट, चलो हो गया, अब आगे बढ़ें, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जो भी प्रेजेंट है लिखते जाओ, 28 का आ गया है प्रेजेंट, 22 का भी प्रेजेंट है, यस, दिया पटेल, दिया प्रेजेंट मैम, पटेल दिया तुम्हारा तुम्हारा रोल नंबर बताते जाओ मुझे, आज के लिए रोल नंबर बता दो फिर मैं नाम का लिस्ट अरेंज कर लूँगी कहीं से, रोल नंबर 16 इज़ प्रेजेंट, रोल नंबर 27 इज़ प्रेजेंट, ओके, बायो अभी से बोलो, बायो वाले बता रहे हैं अपना रोल नंबर, ओके, रोल नंबर 30 प्रेजेंट, ओके, रोल नंबर 30 प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट बोलते जाओ कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ पे रिकॉर्ड वैसे भी हो ही रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर, ओके, 1, 2, 3, अब हम जाते हैं बायो की तरफ, आई थिंक मैक्स का हमारा अटेंडेंस कंप्लीट हो चुका है, सो 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30 प्रेजेंट है, चलो अब बायो वाले आ जाओ, 1 से लेके 10 तक जो भी प्रेजेंट है बोलो प्रेजेंट, बायो 35 प्रेजेंट, ओके ओके, 30 प्रेजेंट, बायो 19 प्रेजेंट, ओके, खुशी 37 बायो प्रेजेंट, 37 प्रेजेंट, 18 बायो प्रेजेंट, 14, 15, 16, कल मैं नाम ही ले लूँगी सबके, है ना, नाम इज़ बेटर, प्रेजेंट, बायो ए, ओके, रोल नंबर 1 प्रेजेंट, 11 बी 16 प्रेजेंट, ओके, 16, रागिनी रोल नंबर 40 प्रेजेंट, ओके, रोल नंबर 40 भी प्रेजेंट है, ठीक है, रोल नंबर 32 आ गया, रोल नंबर 39 प्रेजेंट, 32 प्रेजेंट,
28 प्रेजेंट, ओके 38 प्रेजेंट, 38 प्रेजेंट, 35 प्रेजेंट है आदित्य, लिखा तुम्हारा मैंने प्रेजेंट, 25 रुष्टि 25 इज प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट, रोल नंबर 8 प्रेजेंट, ओके सो 1 to 10 में जितने हैं प्रेजेंट बोल चुके हैं और भी बहुत लोग बोल चुके हैं, 11 to 20 फ्रॉम 11B बायो में ही प्रेजेंट हो तो बोल दो, किसी का बाकी रह गया हो तो, 37 का मैंने लिख दिया है, रोल नंबर 9 प्रेजेंट, ओके बायो, ओके सो रोल नंबर 9 प्रेजेंट, अब 20 से लेके किसी का रह गया हो, 20 से लेके 30 तक का बोलते जाओ, आई कांट सी एनीवन, ओके 34 प्रेजेंट, ओके 27, हाँ हो गया है, वापस बोल रहे हैं, 17 ओके 4 प्रेजेंट, ओके ठीक है मैं एक बार वापस कर लूँगी, डोंट वरी मैं वापस देख ही लूँगी सारा, 11B 16 प्रेजेंट, ओके हो गया आई गेस, 30 तक हो चुका है, अब 30 से लेके 40 तक जो भी प्रेजेंट है, 32 तो प्रेजेंट है, 34 भी प्रेजेंट है, 35 भी प्रेजेंट है, 37, 38, 39, 40, ओके सो अब किसी का भी बाकी है तो लिख दो, अगर नहीं बाकी है सो यू कैन लीव द क्लास नाउ, हियर वी डिसमिस अवर क्लास, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस वन, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स टुमारो, टुडे यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड एंड यू हैव टू फिनिश इट ऑफ एंटायरली, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लेसन, 36 ओके 36 इज प्रेजेंट, 32 प्रेजेंट, ओके 32 इज देयर ऑलरेडी, ओके यू कैन लीव द क्लास, बाय, ओके गुड बाय, सी यू, टाटा. और जो भी बाकी रह गया हो प्रेजेंट बोलने का वो बोल दो, नहीं बाकी है तो मैं वापस एक और बार तुम्हारा ये जो चैटिंग है लाइव चैट वो ऑन करके देख लूँगी किसका बाकी है, क्या है, किसने बोल दिया है. मिस आई एम ऑल्सो प्रेजेंट, येस नमिता आई नो यू आर ऑल्सो प्रेजेंट, यू आई होप यू गॉट द यू नो नॉलेज अबाउट द सिलेबस ऑफ योर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू टीचर, बाय, ओके थैंक यू, यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग एंड टुमारो विल सी यू अगेन सेम प्लेस विद same lesson, same explanation, okay? Music, you want music, right? Aaj to nahi, maybe tomorrow, okay? क्योंकि अभी मुझे पूरे ऐप की सेटिंग करनी बाकी है तो म्यूजिक अभी बहुत नीचे होगा, अभी कहीं होगा नहीं और होगा नहीं है ही नहीं, सो अभी अर्जेंटली क्लास थी, ओके अब मुझे सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा रोल नंबर सबका, फिर हम म्यूज़िक वगैरह हम इमेजेस GFIs सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय, सी यू अंकित, बाय, रोल नंबर 13, ओके भी बोल रहे ओके रोल नंबर 13 प्रेजेंट कर दिया मैंने, अंकित प्रेजेंट हो गए हो तुम, यू ऑल कैन लीव द क्लास, गुड बाय, सी यू, टाटा. म्यूजिक तो अभी आज है नहीं तो आज तो खाली बाय से ही काम चलाओ, सिर्फ गुड बाय कर देती हूँ मैं, गुड बाय.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye.